और ये है गोवा का थिवीम रेलवे स्टेशन। इस रेलवे स्टेशन का अगर कंपेयर करेंगे अपने यहाँ के रीवा सिद्धि सिंगरौली के रेलवे स्टेशन थोड़ा सा अलग सा आपको लगेगा। पहले तो आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए ये रेलवे स्टेशन है किस तरीके से बना हुआ है। ये आपको सामने दिखाई दे रही है यहाँ पे पहाड़ी, पहाड़ी को काट के इस रेलवे स्टेशन को बनाया गया है। दूसरी चीज़ आपका ध्यान दिलवाना चाहूँगा यहाँ पे बैठने वाली सीट में, तो देखिए ये तो हमारे स्टेशन की तरह बनी हुई है, इसमें कोई खास बात नहीं है, सेम वहाँ इतना है। ये फुट ओवर ब्रिज आप देख सकते हैं जैसे हमारे यहाँ बनता है एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने के लिए। और ये देखिए पूरे पैसेंजर, अगर आपको पंजिम की तरफ जाना, अगर आप गोवा आते हैं और पंजिम के नियर बाय ब्रिज में आप घूमना चाहते हैं तो आपको यहाँ थिवीम में उतरना पड़ेगा। अगर आप थिवीम उतरते हैं तो पंजिम यहाँ से आपको नज़दीक पड़ता है। तो देखिए जैसा कि लोग वहाँ यहाँ थिवीम में उतर गए हैं वो पंजिम जाना चाहते हैं, पंजिम जो कि गोवा की राजधानी है। मौसम की बात करें तो देखिए यहाँ पर मौसम किस तरीके का हो रखा है, प्रॉपर यहाँ पे बारिश हो रही है, बारिश का भी मौसम हो रखा है। हमारी ट्रेन अभी यहाँ थिवीम में आके खड़ी है, थिवीम रेलवे स्टेशन है। अगर आप गोवा आते हैं तो आपको तीन रेलवे स्टेशन पड़ते हैं, पहले तो आपको पड़ता है ये थिवीम, उसके बाद पड़ता है करमाली और उसके बाद पड़ता है मेन रेलवे स्टेशन जो कि होता है मड़गांव का। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा आपको किस वाले स्टेशन उतरना है। और जैसे कि देखिए हमारी ट्रेन यहाँ पे चल पड़ी है। अपनी बात करूँ तो मैं यहाँ पे गोवा में आया हूँ घूमने के लिए और आज आपको दिखाऊंगा किस तरीके का यहाँ पे हमारा सफ़र होने वाला है, पहाड़ियों के बीच में रेलवे स्टेशन और आगे चल के इस गोवा में क्या क्या मज़ेदार चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, हर चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा। अभी आपको बता दूं, जब आप अपने यहाँ रीवा से यहाँ गोवा के लिए आएंगे तो मुंबई क्रॉस होने के बाद यहाँ कम से कम आपको 20 से 21 ऐसी टनल्स मिलेंगी जो एकदम जैसे हमारे रीवा सीधी वाली टनल बनी है वहाँ के अंदर चल जाए पूरा अंधेरा हो जाता है, लाइट वहाँ पे खैर लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे जब आप आते हैं तो इतनी ज़्यादा वो टनल एकदम अंधेरा सा हो जाता है, मानिए डर भी लगेगा, लेकिन उसके बावजूद बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य आता है और उन टनल के अंदर आपको मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। चलिए आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा और यहाँ पे किस किस तरीके की चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं और कुछ अच्छा सा दिखाई देता है तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, बने रहिए। आपको दिखाई दे रहा है फुट ओवर ब्रिज जिससे लोग बाग चढ़ के एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जाएंगे। दूसरे की तरफ मैं आपको बता दूं एग्जिट है, लोग बाग यहाँ पे जाते हैं, फॉरेनर्स यहाँ पे आते हैं गोवा के बीच का लुत्फ उठाने के लिए, मज़ा उठाने के लिए। और ये देखिए यहाँ पे ये प्रॉपर पुलिस वगैरह आरपीएफ यहाँ पे लगी रहती है और ये मेन यहाँ पे वेट कैंटीन वगैरह जिस तरीके के यहाँ पे लग रखी है आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे बनी हुई है और ट्रेन यहाँ पे चल दी है, आपको दिखाई दे रहा है किस तरीके से। ये अगर शेड की बात करें तो जैसे हमारे रीवा के रेलवे स्टेशन वगैरह में बन रहे थे, खैर अपने रीवा का तो बहुत अपग्रेड हो गया है, सेम उसी तरीके का आपको शेड यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। पानी पीने की व्यवस्था देखिए थोड़ी सी हमारे यहाँ से अलग है, राउंड सा टैप टाइप का बना हुआ है और यहाँ पे देखिए जहाँ तक मतलब मेन ज़रूरत है वहीं तक में शेड बना हुआ है। थोड़ा सा पुराने टाइप का पुर्तगालियों टाइप का रेलवे स्टेशन सा ये लग रहा है आपको, जैसा कि देखेंगे लोग वाग देखिए यहाँ से उतर गए हैं और जैसा कि मैंने F40 आपको फुट ओवर ब्रिज दिखाया था वहाँ से जाएंगे प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ और वहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ और वहाँ से एग्ज़िट की ओर जाके जाएंगे जहाँ पे जाना चाहते हैं, जिस भी तरीके से अपने चाहे वो बीच घूमने जा रहे हो या फिर कहीं भी जा रहे हो वहाँ से वहाँ चले जाएंगे। लेकिन देखने वाली बात ये है, देखिए यहाँ पे ये जिसकी बाउंड्रीज वगैरह हैं लकड़ी कितनी पुरानी आपको दिख रही है, ऐसा लगता है मानिए पुर्तगालियों के ज़माने की लगी हुई है। और ये लाइट देखिए किस तरीके की लाइट, मतलब हर चीज़ आपको बहुत पुरानी सी नज़र आएगी जैसा कि हमारे यहाँ नहीं दिखाई देता है। और ये देखिए कुछ इसी टाइप का यहाँ पर पहाड़ हुआ करता था, ये रेलवे स्टेशन थिवीम का आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, कुछ इसी तरीके का पहाड़ हुआ करता था यहाँ पे पूरा ही, ऐसा नहीं है कि इतने में ही था। ये जहाँ दिखाई दे रहा है ट्रेन चल रही है यहाँ भी सेम इसी टाइप का आपको पहाड़ सा दिखाई देता था, लेकिन इस पहाड़ी को ऐसे काटा गया है यहाँ पे, इस पहाड़ी को यहाँ से काटा गया है और प्रॉपर काटने के बाद में ये रास्ता इस तरीके का बनाया गया है। तो बता दें बहुत ही खूबसूरत से रेलवे स्टेशन थिवीम मैं आपको दिखा रहा था, रेड लाइट वगैरह हर चीज़ आपको दिखाई दे रही है। पूरा का पूरा इस गोवा की अगर बात की जाए तो ये पहाड़ी और जंगल के क्षेत्र में बना हुआ है जिसकी झलक आपको यहाँ दिखाई दे रही है। नीचे देखिए पानी किस तरीके से पटरी के बगल से पानी भी बहता हुआ आपको नज़र आ रहा है और अभी आपको नेक्स्ट यहाँ का जो मेन रेलवे स्टेशन है वो आपको